एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत, अभी टाइम 7:30 का हो गया और मैं सुबह उठी थी 6 बजे। उसके बाद जो भी रहते अपने काम छोटे मोटे वो किए और अभी मैंने सुबह उठ के मैंने गर्म पानी पिया था, तो मैं सोचती हूँ अब दूध गर्म करते, तो मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी मिक्स कर दी उसमें, कॉफ़ी पीऊँगी और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। वैसे मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, फिर देखते हैं क्या रहता है आज का। तो गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। तो ये रहा आज का मौसम, जो कि सुबह बिल्कुल साफ होता है और शाम को अपने असली रंग में आता है। तो आज एक भी बादल नहीं है। और अभी यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े डाले हैं धोने के लिए, ये मशीन में डाले हैं। और ये पापा का नाइट सूट, ये मेरे को हाथ से धोना है क्योंकि ये मशीन में अच्छे से होता नहीं है। तो इसमें ये मैंने अभी सर्फ के बीच डाला है, थोड़ी देर के बाद इसमें साबुन लगाऊंगी फिर धोऊंगी इसको, तब तक मेरे ये वाले कपड़े भी हो जाएंगे। एवरीवन, तो अभी टाइम 8:30 का हो गया और मैं लगभग अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। और ये देखो, आज ना मैंने अच्छे से वॉश बेसिन की सफाई भी की, क्योंकि शाम शाम को इतनी धूल मिट्टी आती है ना कि ख़राब हो जाता है, तो मैंने बढ़िया चमका दिया है। और ये जो आप शीशा देख रहे हो ना टूटा, ये अब्बू ने थोड़ा है क्रिकेट मैच खेलते हुए, यहाँ पर खेल रहा था वो और उसने बॉल यहाँ मार दी। तो इधर भी थोड़ी बहुत सी सफाई कर दी और बाथरूम भी धोया मैंने आज अच्छे से सर्फ के साथ, क्योंकि कीचड़ कीचड़ सारे में जाता है यार। और बात टॉयलेट की भी अच्छे से सफाई कर दी, जो देख रहे हैं ना आप वाइट टाइल है, पूरी चमका दी है मैंने इधर उधर की भी और इधर की भी। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि शाम शाम के टाइम ना बारिश आ जाती है तो सारी धूल चले जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज उपली साइड वाला जो वॉशरूम है ना उसकी सफाई भी कर लेती हूँ। तो अभी टाइम है मेरे पास, अभी 8:30 ही हुए हैं, तो चलते हैं ऊपर की ओर। तो अभी मैंने ऊपर वाला वॉशरूम है वो भी साफ़ कर दिया और यहाँ बाहर टाइलें भी गंदी हुई थी, तो मैंने चलो कपड़े भी डाल दिए धूप में। और इतनी तेज़ धूप लगी और मैं इतना पूरी की पूरी गिल्ली हुई हूँ, देखो यहाँ तक। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ और चपाती दादी बना रहे सब्जी, तो मम्मी ने सुबह ही बनाई थी, क्योंकि मम्मी आज बगीचे गए हैं ना, तो मम्मी ने सुबह ही बना के रखी थी, उन्होंने थोड़ी सी साथ भी ले ली है। तो यहाँ देखो कुछ आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। और अभी मैं सारे से झाड़ू देके फ्री हो गई हूँ और देखो डुफू सोया है यहाँ पर, देखो मैं सारी अपनी बालकनी साफ़ कर दी है। और इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने, क्योंकि काफ़ी खुली है ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पर पता नहीं कोई बीज लगाया है शायद, मिर्च के पौधे का वो बीज बोए शायद यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का है। और आजकल ना मतलब वीडियो शूट करने में भी इतना मज़ा आता है ना मेरे को, क्योंकि चारों तरफ हरा हरा मतलब बहुत सुंदर लगता है। देखो थोड़ा सा आपको इधर दिखाते हैं, यहाँ देखो हमने लगाई है बंद गोभी और इधर देखो हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया हमने निकाल दिया जो वहाँ पर लगाया था। अब ये वाला बच्चा है, जब ये बड़ा बड़ा हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे। और सेब की तो इस बात क्या कहने। तो चलते हैं अब अंदर। अभी मैंने बाथरूम धो के ख़त्म हुई थी और उतनी देर तक दादा नहाने चले गए, अब उन्होंने वैसे का वैसा ही किया मुझे फिर से बाथरूम की सफाई करनी पड़ेगी। और मैंने वाइपर भी बाहर ही छोड़ा है, तो इसको भी अंदर करना पड़ेगा। और जो मैं बुआ के घर से लेके आई थी ना फूल, तो मैंने यहाँ पर लगाया, इसमें देखो फूल आना शुरू भी हो गया है, इस तरह के फूल है जो है नीचे। सूख गया होगा, बंद कर लेती हूँ मैं इसको। ये देखो जी आज फिर से मौसम ख़राब हो चुका है, अभी टाइम 3:06 हो गया और देखो इस तरफ को पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है और इस साइड को भी, मतलब मौसम के रोज़ का ही हो गया अब, सुबह कैसा शाम को कैसा। तो अभी टाइम हो गया 3:30 और यहाँ देखो मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है दूर से, और घर के चारों तरफ कितना हरा भरा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और जो मैं यहाँ अभी आई हूँ ये गोबर लेने के लिए, ये सड़ा हुआ गोबर है ना, तो इसको ले जाना है मेरे को और अपने फूलों में डालना है। देखो इतना बड़ा किल्टा और गोबर से थोड़ा सा ही चाहिए मुझे, क्योंकि और बर्तन तो था नहीं, मैंने चलो इसको ही ले जाते हैं। ये वाला नीचे मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट सा चाहिए, मतलब
गोबर डाल के ख़त्म हुए और बारिश देखो वैसे ही बारिश लग गई और थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इधर डाल दिया है वापस, क्या ले जाना था उसको वापस, तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे डाला है। और बारिश भी आ गई, चलो आज मैं पानी डालने से बच गई। इसमें डाल दिया गोबर, जीवन तो अभी टाइम हो गया 5 बज गया और अभी मैं डोफू को घुमाने लेके आई हूँ। घुमाना तो क्या ही है, मैं तो मेरे को खींचता रहता है बस, इतना जोर है ना इसके अंदर कसम से, तभी डंडा साथ लाया होता मैंने, पूरा खींचता रहता है तो उसको घुमाते हैं। और अभी मौसम भी ठीक है, मतलब थोड़ी देर बूंदाबांदी हुई उसके बाद साफ हो गया मौसम, तो उसको घुमा लेती हूँ यार, क्योंकि मेरे से एक हाथ से तो पकड़ा नहीं जाता इसकी, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है मुझे। देखो तो पूरा जोर लगाता है ये, पूरा जोर। अभी इसका डोफू का एक्सीडेंट होने वाला था इस गाड़ी के नीचे, अपनी मुंडी परे खड़ा है, देख तेरे को लगेगी ना गाड़ी से, लगेगा तेरे को पता, बच गया तू अभी। तो अभी डोफू में यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते फिर चलते हैं घर की ओर। डोफू तो गड्ढा कर रहा है, मिट्टी खाएगा तेरे, बोला मैंने मिट्टी खाने तूने, मिट्टी खाने तूने, मिट्टी फिर तो बीमार होगा, खाना नहीं खाना था फिर। इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, ये खेत में भी ऐसे करता है, अगर उसको खुला रखता है ना खेत में भी कार्रवाई करता रहता है। स्पीड देखो तो उसकी खोदने की, इसको लेना पड़ता ऊपर तौलिया। अच्छा यस बिल्कुल, नमस्ते, खुश रहो, कैसे आप? तो मुझे सरप्राइज मिल गया इनके द्वारा, इसने पल्लू कल किया, इसने मेरे को बताया नहीं कि मैं आ घर, मैं सोचा आज जाऊंगी दोनों बस, ये तो आई नहीं रही थी, तो मम्मी ने बोला घर आ जा तब आई है ये घर, सरप्राइज मिल गया मुझे आज, तो सरप्राइज दिया हमने इनको। देखिए एक और हस्ती हमारे बीच, मिस पायल ठाकुर। पेपर भी कैसे हो रहे बेटा, पेपर तेरे पेपर कैसे हो जाएगी, लग जाएगा रिजल्ट आएगा कुछ साल के बाद। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया 7:30 का और अभी मेरा डिनर बन गया है और आज ना मैंने मटर का पुलाव बनाया क्योंकि थोड़ी सी सब्जी भी बची थी, तो मैं सोचा चलो पुलाव बनाते हैं। और आज हम तीन हैं घर पे, मैं और दादा दादी, मम्मी पापा वहीं पे हैं, मम्मी पापा आज वहीं पर क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत सा काम रहता है बगीचे पर, तो मम्मी वगैरह फिर वहीं रुक गए, तो मैं सलाद काट रही थी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।